उपमन्यु जी को बुलाओ ना साहब। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा उपमन्यु शर्मा जी को, जो इंजीनियरिंग के छात्र है और सामाजिक कार्यकर्ता है। भाई उपमन्यु शर्मा जी, भाई उपमन्यु शर्मा जी चले चल के आइए। उपमन्यु जी का, राघव अरोड़ा जी का इस पार्टी में शामिल होने पर उनका स्वागत करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, भाई उपमन्यु शर्मा जी को। मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने आज इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम को सफल बनाया, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, ऐसे हमारे युवा जुझारू भाई राघव अरोड़ा जी। आप आए और अपना वक्तव्य हम सबके सामने रखें। भाई राघव अरोड़ा जी, साथ के साथ आज मैं आप सबके सामने सेवा भाव से और आपके भरोसे से यहां तक पहुंचा हूं। स्टेज पे उपस्थित सभी मंत्रियों से मेरा निवेदन है और यहां पे मौजूद सारे लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज खुशी तो बहुत है, मगर खुशी से ज्यादा इन कंधों पे आज
जिम्मेदारी का एहसास है। जिम्मेदारी है तो लेकिन खाली इस हॉल के लोगों की नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की और उससे बढ़कर पूरे भारत देश की है। मैं वादा करता हूं कि स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गिदारी लाल जी और हम सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना इस भारत को चाहिए तक पहुंचाने में मैं जी जान लगा दूंगा। और आज के लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आज मैं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक जनता और लोकप्रिय पार्टी को का दामन थाम रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राघव जी। मैं अब एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन करता हूं कि वो आते जाएं और भाजपा का दामन थामते चले। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरुण जी, विनय जी, मुनीर जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो सबको भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना के इनको विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। आप सबसे निवेदन है कि एक एक करके मंच के ऊपर आते जाएं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते चले। विनायक शर्मा जी, भाई पीछे नारे रुकने नहीं चाहिए, बस आकाश महाजन जी, राहुल जी, शैतान सिंह जी, अविनाश बरोत्रा जी, वासु जी, पारुष मेहुल जी, देवेंद्र जी, सार्थक आनंद जी, अनीश पुरी जी, राघवानंद जी, कृष्ण जी, दिव्यांशु जी, शिवम बख्शी जी, समीर शर्मा जी, आसिफ जी, सक्षम रामपाल जी, शोभित मनाज जी, रिदम वर्मा जी, राघव डोगरा जी, समक्ष लंगर जी, फैसल खान जी,
लाइव है लाइव हो गए रुके अन्य भी कोई नौजवान जो रह गया है वो भी आ सकता है जिसका नाम मन से नहीं बोला गया है जो ज्वाइन करना चाहता है आ जाओ आ जाओ भारत माता की पर लगता कोई हकीर है वो भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले मैं एक बार फिर से राघव अरोड़ा जी का पार्टी को औपचारिक रूप से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इनके पिताजी का डब्ल्यू अरोड़ा जी का बहुत बहुत बीजेपी गहराई से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपके सभी साथी नौजवान साथी जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ बैठे हैं आप सभी का भी मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ और आज से जिस तरीके से आप समाज के क्षेत्र के अंदर पहले से अपना योगदान देते आ रहे को राशन वितरण का विषय हो या उसकी अन्य जरूरतें पूरी करने का विषय हो सैनिटाइजर मास्क वितरण का विषय हो राघव अरोड़ा जी अपनी टीम के साथ पूरे क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखते हुए आगे हमें कहते हैं कि सेवा संघर्ष और बलिदान युवा मोर्चा की पहचान जहां पर सेवा आप करते रहे संघर्ष और आगामी कार्यक्रमों को नीचे तक लेकर के जाने का काम आप आगे भी करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार पुनः बहुत बहुत आपको अभिनंदन करता हूँ अभिवादन करता हूँ और आपकी मंगल कामनाओं के लिए मैं माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके सभी साथी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के विचार को भारतीय जनता पार्टी के विस्तार को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। राघव अरोड़ा जिंदाबाद राघव अरोड़ा जिंदाबाद। अभी सब जो नौजवान साथी हैं वो आगे ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आ जाएंगे उसके बाद भाई कहाँ जा रहे हो बंद करो दरवाजा अभी नीचे नहीं जाना पहले इधर रहना चलो सर एक मिनट रुकना कैसा थोड़ा इतने बंदे कुछ ये वीडियो बनना लाइव 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 रोटेशन ऑन ही पता नहीं पता राघव जी सभी आओ नीचे चलो इधर आ जाओ भाई क्या ग्रुप फोटो करा देंगे आओ हाय ग्रुप फोटोग्राफ आ जाओ टॉप पर ला गौरव जी बंद करो सभी साथी इधर आ जाए भैया सारे सारे भी आ सकते हैं इधर आओ सारे अगे आओ यार शो पीछे आना है हां होना पैना खड़ा लो बच्चा ये थोड़ा
सर इधर पीछे सर एक मिनट एक मिनट कराओ जी ज्वाइनिंग नहीं दिखाओ मैं तो ऊन पे आया हूँ कराती सर आर खुलाई लो दोबारा करा लेको दोबारा ज्वाइनिंग कराई लो ज्वाइनिंग एक बार फिर करा लो मनीष सर हार खिला दो दोबारा ज्वाइन करा सबसे पहले आज जिस तरीके से युवा संपर्क अभियान के माध्यम से युवा जोड़ो महाअभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लिया है बहुत जम्मू पूरे कश्मीर से बड़ी तादाद के अंदर नौजवान युवा मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय रविंदर रैना जी के प्रदेश के नेतृत्व से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ सेवा की गतिविधियों को आगे लेकर के जाने का काम कर रहे हैं। आज जम्मू के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और युवा एंटरप्रेन्योर राघव अरोड़ा जी जिन्होंने अपने बलबूते के ऊपर अपना व्यापार भी स्थापित किया वहीं सेवा की जगत में एक बहुत बड़ा काम किया है। जिस तरीके से अभी पीछे कोरोना के काल के अंदर उन्होंने घर घर जाकर के मास्क सैनिटाइजर वितरण का काम किया राशन वितरण का काम किया वहीं अपने साथियों के साथ मिलकर के और अन्य योजनाओं को आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। मैं हृदय की गहराई से भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनका स्वागत करता हूं वहीं इनके साथ सभी आए हुए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और इनसे अपेक्षा करूंगा कि आगामी चुनाव के अंदर जिस तरीके से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने 50+ का नारा लिया है इस संकल्प को पूरा करने के लिए राघव अरोड़ा जी और इनके पूरे साथी मिलकर के काम करेंगे और माननीय मोदी जी के हर एक योजना को नीचे पहुंचाने का काम करेंगे। एक बार फिर से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसे जम्वाल जी ने कहा जी सर जैसे अरुण जम्वाल जी ने कहा
कोविड के समय बहुत सारा हमने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों के घर गए, हर घर घर पे राशन बांटा। और हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना इस देश को ऊंचाइयों तक लेके जाने में मैं किसी भी तरह का किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे सारे साथियों के साथ हर जगह बीजेपी का जहां भी मुझे बुलाएंगे वहां पे उपस्थित होऊंगा और अपनी पूरी जी जान से बीजेपी का साथ दूंगा। धन्यवाद।